कुछ मजीद एक्सरसाइजस को सॉल्व करेंगे तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं सो डियर स्टूडेंट्स बिफोर आई मूव ऑन टू द टॉपिक फॉर टुडे हम एक दफा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा था यहां बोर्ड पे मैंने लिख दिया है रिवीजन के पॉइंट्स क्या हैं हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं उसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज क्या था उसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या थे और रिलेटिव प्रोनाउन क्या थी ये सब बातें हमारे ऑक्सफर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश के यूनिट फाइव के अंदर भी दी गई हैं ठीक है यूनिट के अंदर हम ये रिलेटिव को भी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है थीके? तो वहां से इसको रिलेट करते करते हमने इन एक्सरसाइजेस को आज सॉल्व करना है बच्चों हमने बात की थी एबजेक्टिव के बारे में एबजेक्टिव क्या होते हैं वेरी गुड एबजेक्टिव आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब योर नाउन एंड प्रोनाउन जो आपके नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं वर्ड मजीद डिफाइन करते हैं वो कौन से वर्ड होते हैं एड्जेक्टिव क्या एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एड्जेक्टिव लग सकते हैं बिल्कुल एक सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन के साथ एक से ज्यादा एडजेक्टिव भी लग सकते हैं और उसका मकसद क्या होता है उसका पर्पज ये होता है कि आप अपने सेंटेंस को मजीद इंटरेस्टिंग यू विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग ठीक है दैट इज हाउ इट इज रिटन इन योर बुक ठीक है आपकी बुक में लिखा है कि यू विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग इफ यू और मोर देन थ्री उसके बाद हमने देखा था एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है अब किसी एक सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं एक होता है मेन क्लॉज जिसको मेन सेंटेंस भी हमने कहा था एक पार्ट होता है एडजेक्टिव क्लॉज का अब एडजेक्टिव क्लॉज कहां से स्टार्ट होता है एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा एक रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सी थी साथ साथ इसको भी देख लेते हैं हु एंड दैट ये तीन हमने रिलेटिव प्रोनाउंस देखी थी इन्हीं रिलेटिव प्रोनाउंस को लेकर जब बनेगा एक क्लॉज ठीक है जैसे कि हम बता सकते हैं इज नियर बाय हाउस तो जो which से लेकर हाउस तक का सेंटेंस है जो क्लॉज है उसको कहा जाता है एडजेक्टिव क्लॉज उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है एडजेक्टिव फ्रेज क्या है हमने जैसे एग्जाम्पल में पढ़ा था कवर्ड विद ग्रॉस जो प्रोनाउन या नाउन को डिफाइन कर रहा है फ्रेज जिसके अंदर वर्ब नहीं दी गई अब इनका डिफरेंस क्या है ठीक है दोनों एडजेक्टिव क्लॉज दोनों नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर हमारे पास वर्ब होती है है ठीक लेकिन एडजेक्टिव फ्रेजेस के अंदर कोई वर्ब नहीं दी गई होती ठीक है ये आपने याद रखना है ये इनका मेन डिफरेंस है अच्छा जी रिलेटिव प्रोनाउंस जो हमारे पास थी मैं वो भी यहाँ लिख देती हूँ जो हमने यूज करनी है हु And that, हमने देखा था जो वर्ड हु है, है सिर्फ पीपल के साथ आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज को बच्चे शुरू करते हैं क्या आप त्यारे वेरी गुड सो मैं स्टेटमेंट यहाँ पर देती हूँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए है इन विच और दैट ठीक है तीनों रिलेटिव प्रोनाउ आ गए इन द ब्लैंक्स रिमेंबर टू पुट इन कॉमा हमने कल बात की थी कि रिलेटिव प्रोनाउंस अगर हमारा एडजेक्टिव क्लॉज इन द मिडल ऑफ सेंटेंस आ जाए तो वी विल मार्क इट ऑफ ऑन ईदर साइड हमने दोनों साइड पे क्या लगाना है कॉमा अब इन सेंटेंसेस को जब हम फिल आउट करेंगे उस टाइम हमने देखना है कि जहां पर कॉमा की जरूरत है वहां हम कॉमा भी लगाएंगे right, म्यूजिशियन अब देखे मिस्टर डेविडसन क्या है वेरी गुड नाउन नाउन के बाद कॉमा है मतलब कि जो यहां पर वर्ड आएगा वो क्या होगा एग्जैक्टली exactly. सी लगेगी जो ह्यूमन बींग्स के साथ लगती है पूरा क्लॉज है ये कौन सा क्लॉज है इसमें वर्ब आ गई हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो ये क्या है एब्जेक्टिव क्लॉज है वेरी गुड तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं कि हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है ठीक है ये हमें पता चल गया सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ आता है और उसके बाद ये जो ये लाइन लिखी है इज अ म्यूजिशियन ये क्या है मेन सेंटेंस या मेन क्लॉज वेरी गुड स्टूडेंट्स नंबर वन तो हमने कंप्लीट कर लिया अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं जहां हम बाकी के सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं ब्लाइंड मैन ब्लाइंड मैन तक हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है मेन सेंटेंस यानी मेन क्लॉज खत्म हो गया यहाँ पे अब जो यहां पर हम लिखेंगे वो वर्ड होगा अगेन हम मैन के बारे में बात कर रहे हैं ब्लाइंड मैन तो हम लिखेंगे हुईल्ड अब जो यहां से हु से वर्ड स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस हम बात कर चुके थे वर्ड हु से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एट द एंड वो क्या है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज ए सी लिख लेते हैं ठीक है शॉर्ट फॉर्म के लिए नंबर थ्री द नाइफ डैश यू गेव मी इज वेरी ब्लंट जो छुरी तुमने मुझे दी थी वो बहुत तेज है ठीक है द नाइफ दैट यू गिव मी इज वेरी ब्लंट अब देखें जो यहाँ पर नाइफ की बात हो रही है नाइफ क्या है नॉन लिविंग थिंग तो यहाँ क्या लगेगा द नाइफ विच यू गेव मी ओके द नाइफ विच यू गेव मी इज वेरी ब्लैंड नंबर फोर द हाउस डैश वॉज सोल्ड फॉर अ बिलियन डॉलर लास्ट मंथ बिलोंग्स टू द मैग्रॉ फैमिली अब अगेन हाउस क्या है हमारा नाउन वेरी गुड द हाउस अब हाउस क्या है हमारा नॉन लिविंग थिंग है कि लिविंग थिंग है अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब हाउस जैसा pronoun, जैसा प्रोनाउन हमारा नाउन लिखा है नाउन के बाद उसकी कंप्लीट डेफिनेशन यानी आगे उसी के बारे में बात हो रही है तो हम वहां पर क्या लगाएंगे दैट हमेशा ठीक है जब हमें किसी नाउन को डिफाइन किया जा रहा है डायरेक्टली तो हम लिखेंगे दैट द हाउस दैट वाज सोल्ड फॉर अ बिलियन डॉलर्स लास्ट मंथ बिलोंग्स टू द मैग्रो फैमिली ठीक है अब यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं दैट सोल्ड फॉर अ बिलियन ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया और नंबर थ्री सेंटेंस में विच यू गेव मी ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया ठीक है अब अंडरलाइन जहां जहां मैंने किया बनाई वो हमारे क्या है एडजेक्टिव जो बाकी का पार्ट ब्लैक में लिखा है वो है मेन क्लॉज आई होप अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि एक सेंटेंस के अंदर जो दो पार्ट्स हमने सीखे मेन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज

कि कि नॉन लिविंग लिविंग थिंग थिंग की की बात हो की बात हो हो रही रही है है जिसकी भी बात हो रही होगी उस हिसाब से हम यहाँ पर लगाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन हु दैट हुम हुज ठीक है ये और आगे एक एडजेक्टिव क्लॉज खुद से बनाना ठीक है मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखूंगी वो सिर्फ प्रैक्टिस होगी आप जब अपनी बुक पे इसको सॉल्व करेंगे तो आप कुछ भी डिफरेंट लिखेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी थिंकिंग भी साथ साथ चलती रहे The detectives were looking out for the person अब detectives अब आप देखें करना कैसे है इसको इसका तरीका देखें डिटेक्टिव क्या होते हैं वो देखते हैं क्राइम सीन पर जाके कैसे हो रहा है सारा कुछ फिल्म में देखा होगा आपने राइट अब डिटेक्टिव वर लुकिंग फॉर लुकिंग आउट फॉर द पर्सन डिटेक्टिव किस तरह के आदमी को किस तरह के पर्सन को ढूंढ सकते हैं एग्जैक्टली exactly. ऐसा बंदा जो क्राइम कर रहा है जो रॉबरी कर रहा है या जो इस तरह का जिसने गॉड फॉर बिट मर्डर्स वगैरह किए ठीक है लुकिंग आर्ट फॉर द पर्सन और आप लिख सकते हैं मर्डर्ड और रॉब्ड आप कोई भी यहाँ वर्ब लगा सकते हैं गर्ड ठीक है the चलो जी एक तो एड्जेक्टिव क्लॉज मैंने यहाँ बना दिया पता चल गया कैसे बनाना Very good. Number two, I am looking for someone dash. Now see, like if you are a job interview, the person who is taking the interview, he can ask, I am looking for someone dash. Now fill it out. Let's fill it out. I am looking for someone who has worked in a library before. ओके okay. यहां तक हमारा जो ये हो गया क्लॉज कंप्लीट नंबर थ्री आई एम सर्चिंग फॉर अ हाउस अब क्या कैसे डिफाइन करेंगे आप हाउस को हाउस क्या है नॉन लिविंग थिंग आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस दैट इज लोकेटेड बाय द बैंक ऑफ अ लेक और यू कैन राइट रिवर ठीक है एक समुद्र के पास घर वो ढूंढ रहे हैं तो आई एम लुकिंग फॉर दैट इज लोकेटेड बाय द बैंक ऑफ अ रिवर और राइट दिस इज द डॉग विच स्टोल द पीस ऑफ मीट ठीक है ये वो डॉग है ये वो कुत्ता है जिसने क्या किया एक कोष का टुकड़ा चुरा लिया बच्चों एक दफा आप इन फोर सेंटेंसेस को पढ़ लो इनको देखो कि जहां पर सेंटेंस के अंदर हमें एक ब्लैंक दी गई थी वहां पर उस ब्लैंक में, में ने कौन कौन से से वर्ड्स वर्ड्स कैसे लिखे हैं कौन से मैंने खुद से बनाए हैं और उनको लिखने का क्या तरीका था इसी तरह आपकी एक रिविजन हो जाएगी एडजेक्टिव क्लॉजेस की आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी बच्चों चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ जहां एक्सरसाइज सी को सॉल्व करेंगे और इस लेसन को करेंगे कंप्लीट सो स्टूडेंट्स

किसी का भी नाम लिख देते हैं मिस्टर मैग्रॉ जिनका नाम पहले यूज हो गया उन्हीं को लिख लेते हैं इजी हो जाएगा मैक मिस्टर मैग्रॉ इज अ डीलर हु हुईज ओल्ड फर्नीचर ठीक है नंबर टू डैश विच इज फेमस फॉर इट्स आर्ट एंड क्राफ्ट कलेक्शन अब आर्ट और क्राफ्ट की कलेक्शन कहाँ हो सकती है किसी म्यूजियम की बात कर सकते हैं आप म्यूजियम इज अ प्लेस फेमस फॉर इट्स आर्ट एंड क्राफ्ट कलेक्शन ठीक है यहाँ आप म्यूजियम की जगह किसी आर्ट हाउस का नाम भी लिख सकते हैं ठीक है जैसे लाहौर में बहुत सारे म्यूजियम आर्ट म्यूजियम्स, म्यूजियम्स है जहां पर आप जाके बहुत सारी आर्टिफैक्ट्स uh, वगैरह देख सकते हैं राइट right? तो कोई भी नाम अपने जेहन में आपके आता है जहां पर आप उनको लगता है कि वो बहुत फेमस है आप इवन उसको सर्च भी कर सकते हैं कुछ इंटरनेट पे ठीक है नंबर थ्री डैश विच ग्रोज इन अबंडेंस हियर ठीक है अब यहाँ पे कोई एक आप किसी प्लांट का नाम लिख लें ठीक है किसी फ्रूट का नाम लिख लें आइए लिखते हैं मैंगोज आर The the fruit fruit. which grow in abundance here. Okay. Number two, singular न, तो mango Mango is the fruit, Let's do it this way. practice हो जाएगी Okay. Mango is the fruit which grows इन अबांडेंस हेयर मैंने दोनों तरह से आपको करके बता दी है समझ आ गई सिंगुलर में भी कर सकते हैं Plural में भी कर सकते हैं डैश That will take you to the museum. The tour bus that the tour bus outside the school that will take you.